वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा जबान से झूठ और गीबत का अंदेशा है। रोजे की हालत में कम से कम बात करो, जरूरत के मुताबिक बात करो। और एक बात है कि सच बोलने की आदि बनो। यार हमें रिस्क तो देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, हिफाजत करने वाला अल्लाह है, जिलाने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है। अगर कोई कह दे कि लेट क्यों आया, सो रहा था इसलिए लेट हो गया, कौन क्या बिगाड़ लेगा। ये क्यों कहते हो कि रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई थी, सो रहे थे तो सो रहे थे, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या कोई गर्दन मार देगा, क्या करेगा कोई। अगर हम लेट हो गए और सच बोल दिए कि मैं सोने नींद की वजह से लेट हो गया, तो नहीं पहुंच सका, मेरे बच्चों को खिला रहा था नहीं पहुंच सका, लेट हो गया, कोई कर क्या लेगा। इतना ही होगा कहीं नौकरी करते तो वो हटा देगा, जहां नौकरी करते रज़ाक वो नहीं है, रज़ाक अल्लाह है जिसने झूठ हम पे हराम किया है। मुसलमान सच बोल कर तो देखे, मुसलमान सच बोल कर तो देखे। दरअसल इबादतों की जो लज्जतें बरकतें हमारे चेहरों पर, हमारे दिलों पर, हमारे किरदार पर जो मुरत्तब होना चाहिए, वो इसलिए नहीं है कि रोजा तो रख रहे लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहे, हुकूक रोजा से गाफिल हो चुके हैं। मखलूक का खौफ है, खालिक का खौफ नहीं है। बोलो जबान से सच, हक बोलो। इसीलिए रमजान शरीफ लाया गया है ताकि हम प्रैक्टिस करें, हम आदी बने, हम अपनी जबानों को पाक करें, तत्हीर करें। रोजे की हालत में मत करो किसी की गीबत। कोई फोन पे शुरू पड़ जाए तो लो बस करो, आज नहीं आज रोजा है, इजहार करो आज रोजा नहीं करें। अल्लाह जानते हैं, आज सुबह ही मेरे दोस्त से बहुत दिनों से मेरी गुफ्तगू नहीं हुई थी। फजर की नमाज के बाद वजीफे में बैठा था कि अचानक उसकी याद आई। मैंने उसकी याद आने पर वजीफा रोक कर उसको फोन, मोहब्बत जो है कई दिन हो गए थे, उसका एक्सीडेंट भी हो गया मुझे पता चला, तो मैंने उसको फोन किया तो गुफ्तगू उसने लंबी कर दी। और उसी दरमियान में फिर शुरू पड़ गया उसने, मैंने कहा यार आज जुम्मा है मेरे अजीज और रोजा है, बस सुन तो ले, मैंने कहा रोजा है बहुत कीमती है रमजान शरीफ, रोजा बंद कर, बस कर, खत्म कर दे, आप छोड़ दें, आप बंद करवा दे, परवाह नहीं की। दोस्त राजे, दोस्त यार तो मरने के बाद, जीते जी दोस्त छोड़ देते, मरने के बाद छोड़ देंगे। बहुत वफादार दोस्त लोग हैं तो मरने के बाद तो सबने छोड़ना ही छोड़ना। वो यार की जात है जो कभी नहीं छोड़ता, तो सबकी खुशी में उसे क्यों नाराज करते हैं। बोले साफ लफ्जों में लेकिन अच्छे अंदाज, ये नहीं कि आपका तकब्बुराना लहजा हो और आपका झिड़कियां हो, नहीं, ये इस्लाम नहीं, इस्लाम के अंदर तो झिड़कियां है ही नहीं। आपका लहजा अच्छा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मत कीजिए गीबत, रोजा है हमारा आज। और रोजा रखने वाला देखिए, हम रू अफजा फ्रिज में पड़ा हुआ है, शरबत फ्रिज में पड़ा हुआ है, फ्रूट दोपहर से भर के, बल्कि कल से परसों से पूरी फ्रिज भरी हुई है, खानों की खुशबू आ रही है, क्यों नहीं खाते, सच बोलना क्यों नहीं खाते। रोजा है, अल्लाह ने मना किया नहीं खाते, यही है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।